जब भी मैं इंडियन रेलवेज़ की बात करता हूँ, न जाने कितनी स्पेशलिटी है, चाहे वो लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म हो, लॉन्गेस्ट ब्रिज हो, या फिर बहुत सारी लग्जरियस ट्रेन हो। तो यहाँ पर आप एक बार फिर समझ चुके होंगे कि हम एक बार फिर आप मेरे साथ ट्रैवल करने वाले हैं। न जाने कितने सब्सक्राइबर्स का बोलना आ रहा था कि एक नया व्लॉग कब आएगा, एक नया व्लॉग कब आएगा, और फाइनली आप सबके सामने पेश है एक नया व्लॉग। और ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, किसमें, क्योंकि इसमें हम ट्रैवल करने वाले हैं फ्रॉम वंदे इंडिया। जब भी मैं मेक इन इंडिया की बात करता हूँ, हम सबके मन में एक न्यूली डिज़ाइन ट्रेन जो कि अभी अभी लॉन्च की गई है, वंदे भारत एक्सप्रेस, जी हाँ मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। तो आज हम उसमें ट्रैवल करने वाले हैं फ्रॉम मुंबई टू गांधीनगर कैपिटल, वंदे भारत। करंटली आई एम स्टैंडिंग एट बोरीवली प्लेटफॉर्म नंबर 6। टाइम आप देख लीजिए कुछ 5:58 के आसपास हो रहा है। और बोरीवली के बारे में अगर मैं आपको बता दूँ तो लगभग यहाँ से डेली 287,000 पैसेंजर्स डेली ट्रेन बोर्ड करते हैं। ट्रेन आ जाने दीजिए, फिर मैं आपको पूरा इंटीरियर वगैरह, ट्रेन के फीचर्स, वंदे भारत एक्सप्रेस जर्नी विल बी अ क्वाइट स्पेशल फॉर अस, दैट फॉर श्योर। और ना जाने कितने सब्सक्राइबर्स का डिमांड भी था ये, एंड आप तो जानते ही हैं अंजना जिलीगेस हैशटैग चैनल्स फॉर सब्सक्राइबर। से चल चुकी है, आप देख सकते हैं। और एक बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लोग आप सबके मिलने वाले हैं। बोरीवली स्टेशन पर सरनारिया सेनु प्रवाशा। वंदे भारत एक्सप्रेस मुसाफरी करवा बदल आप नो आभार। जो की वापी में बनती है, 2015 में एक रग्बी टूर्नामेंट हुआ था, उसमें भी वो जो टावर यूज किया गया था वो भी नहीं बना था। तो दैट्स व्हाट वापी स्पेस बारे में खास बात है आपको बता, आप जानते हैं वंदे भारत का सपोर्ट अराउंड 52 सेकेंड जस्ट कैच स्पीड फ्रॉम 0 to 100 किलोमीटर पर आवर, जबकि बुलेट ट्रेन ने लिया था सपोर्ट अराउंड 54 सेकेंड। वंदे भारत ने सिर्फ 52 सेकेंड लिया था अकॉर्डिंग टू आर रेलवे में। बेसिकली 233 किलोमीटर्स करने के बाद हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस एकदम करेक्ट टाइम पे हमको सूरत छोड़ी। लेकिन आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो हमारी वंदे भारत थी वो थी फ्रॉम मुंबई सेंट्रल टू गांधीनगर, जो कि एवरीडे रन होती है एक्सेप्ट संडे। ये मुंबई सेंट्रल से शुरू होती है कुछ 6 बजे और आप गांधीनगर कैपिटल पहुंच जाएंगे समवॉट अराउंड 12:30, और वहां से ये चलती है 2 बजे और आप मुंबई सेंट्रल पहुंच जाएंगे इवनिंग में 7-8 के आसपास। तो हमारा एग्जीक्यूटिव चेयर कास्ट कोच था जिसकी कॉस्ट थी समवॉट अराउंड 800 रुपीज पर पर्सन। तो बेसिकली काफ़ी सारी ट्रेन रन होती है, बट आपके ऊपर है। वंदे भारत एक्सप्रेस फॉर श्योर विल बी अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस अगर आप उसमें जर्नी कर रहे हैं। तो
तो इस व्लॉग का एंड भी कुछ गुजराती स्टाइल में, खावानू पीवानू मज्जानी लाइफ, रिमेंबर टू सब्सक्राइब, रिमेंबर टू लाइक द वीडियो और जितना हो सके शेयर। यहाँ से हमारा क्या प्लान है, हम आगे कहाँ जाने वाले हैं, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट व्लॉग। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अंजना डेलिकेसी। थैंक यू।